हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सो गाइस, आप लोग के लिए यहाँ पर काफ़ी बड़ी अपडेट आ रही है। गाइस, मैं पिछले कुछ दिनों से आप लोग के लिए वीडियो बना रहा हूँ कि हाँ, कुछ लोगों के जॉइनिंग डेट पोस्टपोन्ड हुए थे। गाइस बता दूँ, अभी मैंने कुछ और कॉलेजेस के अपने फ्रेंड सर्कल से मैंने बात करा, ठीक है, ज़्यादातर हम सब्सक्राइबर ही हैं। ओके, तो उसमें से कुछ लोगों ने मुझे बोला, यस सर, हमारे कॉलेज में भी ये अपडेट्स आए हैं कि कुछ कैंडिडेट्स का, ठीक है, उनके जो जॉइनिंग डेट होने वाले थे 14 नवंबर को, उसका जॉइनिंग डेट को पोस्टपोन किया गया है 20 जनवरी को। और हम लोग का भी सर, और सर हम लोग का भी जॉइनिंग डेट जो था 21 नवंबर था, बट रिसेंटली में एक नोटिस पब्लिश किया गया हमारे कॉलेज के साइड से, जिसमें बताया गया कि हम लोग का भी जॉइनिंग डेट जो है वो पोस्टपोन हो चुका है 31 जनवरी को, ठीक है। तो यहाँ पर बता दो गाइस, यहाँ पर बहुत सारे कॉलेजेस अभी अपडेट्स रिसीव कर रहे हैं कि हाँ, कॉलेज कॉलेज वाइज ये अपडेट्स देखने को मिल रहे हैं। और ज़्यादातर जो कैंडिडेट्स है गाइस, बता दो, वो निंजा, डिजिटल एंड प्राइम वाले हैं, ठीक है। ये तीन रोल वालों पर ज़्यादातर TCS टीम जो है ज्वाइनिंग पोस्टपोन कर रही है, ठीक है। और हाँ, अगर आपका ज्वाइनिंग अगर होने वाला, डेफिनेटली आपके पास कोई मेल कॉल नहीं आएगा। अगर आपका ज्वाइनिंग पोस्टपोन होगा, डेफिनेटली यू विल रिसीव अ मेल फ्रॉम योर कॉलेज साइट और एल्स फ्रॉम योर TCS साइट। बट ज़्यादातर चांसेस है कॉलेज आप खुद अपडेट करेंगे। इफ़ यू आर फ्रॉम 2024 बैच, डेफिनेटली योर कॉलेज विल अपडेट यू फॉर द सेम, क्योंकि ये ज़्यादातर पहले टीचर्स टीम जो है कॉलेज को अपडेट कर रही है, कॉलेज बच्चों को अपडेट कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर टीचर्स बिग अपडेट नाउ, नवंबर दिसंबर फीस ऑन बोर्डिंग पोस्टपोन टू जनवरी, ओके। सो ये काफ़ी बड़ी अपडेट है गाइज जो मैं आपको बताने वाला हूँ। और ये ज़्यादातर अभी जो अपडेट हमारे पास अवेलेबल है वो निंजा, डिजिटल, प्राइम वाले हैं। बट जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आपका भी अगर ज्वाइनिंग और पोस्टपोन होता है, डेफिनेटली आपका जनवरी में देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर ऑलरेडी एक्सपीरियंस वालों का ज्वाइनिंग पोस्टपोन हो चुका है, ठीक, वाया कॉल वाया। और हाँ, एक्सपीरियंस वालों का तो विदाउट एनी प्रॉपर मेल उनका ज्वाइनिंग पोस्टपोन किया गया, करेक्ट, उनके पास कोई मेल नहीं है, बट बस एक कॉल आया है कि हाँ, आपका ज्वाइनिंग पोस्टपोन हुआ है, ठीक है। और यहाँ पर कुछ फ्रेशर्स बैच वालों का भी, जिनका 14 नवंबर को ज्वाइनिंग होने वाला था, उनका पोस्टपोन किया गया 20 जनवरी को, और जिनका 21 नवंबर को होने वाला था ज्वाइनिंग, उनका पोस्टपोन हो चुका है 31 जनवरी को, ठीक है। आप नेक्स्ट डेट ऑफ ज्वाइनिंग मोस्ट प्रोबली 2025 में ही आप लोग को देखने को मिलेगा, जिनका ज्वाइनिंग पोस्टपोन हो रहा है। जिनका नहीं हो रहा, डेफिनेटली यू शुड ज्वाइन। और अभी आप नोटिस करोगे गाइस, अभी जो एमटॉप के साइट पर जो काउंट है वो है अभी 50, मतलब 50 अभी एमटॉप के साइट पर एड हुए हैं, बट इससे ज़्यादा भी कैंडिडेट्स यहाँ पर ऑलरेडी रिसीव हो चुके हैं, बट एमटॉप के साइट पर अभी इसे अपडेट नहीं किया गया। करेंटली ओनली 50 कैंडिडेट्स आर शोइंग टू गेट दे गेट ऑन बोर्ड, बट ऐसा नहीं है 50 लोगों के पास नहीं आए, मोर देन 50 कैंडिडेट्स हैव रिसीव अ ज्वाइनिंग अपडेट, ठीक है। और यहाँ पर आपको जो भी डाउट्स रहता है गाइस, किसी चीज़ के भी रिलेटेड, आप लोग डेफिनेटली इसको मेल कर सकते हो। आपको जो भी डाउट्स रहता है, लेट सपोज अगर आप लोग का डाउट है किसी चीज़ को लेकर कि हाँ सर, क्या पता हम लोग को ज्वाइनिंग होने वाला है, क्या हम लोग ज्वाइनिंग पोस्टपोन हो जाएगा, तो आप लोग इनको मेल कर सकते हो फॉर द सेम टू नो योर कन्फर्मेशन, ठीक है। बाकी तो मैं बता चुका हूँ ज्वाइनिंग प्रिफर्ड लोकेशन को लेकर, ठीक है। सो गाइज, ये अपडेट आ रहा है फिलहाल, ओके। तो यहाँ पर भी बेसिकली मैं आपको ये अपडेट वगैरह बता चुका हूँ कि हाँ, ज्वाइनिंग लेटर वाला डेफिनेटली आपके नेक्स्ट डे पोर्टल पर डायरेक्टली अपडेट हो जाएंगे। और जिनके पास अभी तक नहीं आया पोस्टपोन का मेल, डेफिनेटली यू कैन ज्वाइन द पर्टिकुलर डेट। अगर होता है ऐसा, डेफिनेटली आपके पास एक प्रॉपर मेल आएगा कि आपका ज्वाइनिंग जो है पोस्टपोन हो चुका है, तो उस समय आपके पास एक न्यू ज्वाइनिंग लेटर देखने को मिलेगा। मतलब जो अभी आपके पास ज्वाइनिंग लेटर है वो नहीं होगा आपके पास, आपके पास एक न्यू ज्वाइनिंग लेटर देखने को मिलेगा, जिसमें आपका न्यू डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन किया रहेगा। मतलब जो अभी आपके पास ज्वाइनिंग लेटर है वो रिजेक्ट हो जाएगा, आपके पास न्यू ज्वाइन डेट ऑफ ज्वाइनिंग न्यू ज्वाइनिंग लेटर देखने को मिलेगा फ्रॉम टीचर साइड, क्योंकि अभी आपके पास जो है डेट ऑफ मेंशन किया रहेगा, डेट ऑफ ज्वाइनिंग मेंशन किया हुआ जो है वो रहेगा 14th या फिर 21st, बट वो कैंसिल होकर आपके पास एक न्यू ज्वाइनिंग लेटर देखने को मिलेगा जो कि जनवरी का होगा। जिनके पास भी अपडेट्स आए बट अभी नहीं आएगा, वो आपको जनवरी के फर्स्ट वीक में देखने को मिलेगा, जिनका भी ज्वाइनिंग पोस्टपोन हुआ। जिनका नहीं हुआ, डेफिनेटली आपको कंपनी को ऑन द स्पेसिफाइड डेट आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। और ये चीज़ आपको ध्यान रखना कि आप लोग जो है अपना BGC वगैरह का प्रॉपर तरीके से कंप्लीट रखना, कंपनी को ज्वाइन करने वाले हो तो सब प्रॉपर कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। सो आई थिंक दैट इट फॉर दिस वीडियो। कुछ डाउट्स कमेंट में पूछ लेना, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत।